हाय गाइस, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी नंदनाथ। मैं हूं डॉक्टर नंदनाथ। दो यूनिवर्सिटी के आज पीएचडी नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। आईआईटी अगर पीएचडी करना चाहते हैं, दो यूनिवर्सिटी का निकला है, तो पहला जो है आपके सामने मैं यहां पे बताने वाला हूं वो है आपका एनआईटी, एनआईटी राउरकेला, जहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन निकला है। बहुत सारा सब्जेक्ट है, आइए हम देखते हैं इसका डिटेल्स। एनआईटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, यहाँ पे जो पीएचडी 17 तारीख इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट की अगर बात करें, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पीएचडी रिसर्च एरिया है, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आपका सिरेमिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के कई सारा रिसर्च एरिया पार्ट है, यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका अर्थ साइंस, एटमोस्फियरिक, जियोलॉजी और जियो केमिस्ट्री, यहाँ पे आप फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और संस्कृत, और इंडस्ट्रियल डिजाइन, लाइफ साइंस, जैसे कि आप लाइफ साइंस अगर जूलॉजी के विद्यार्थी हो, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में पीएचडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके साथ यहाँ पे देख रहा है मटेरियल साइंस, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग आर्किटेक्चर, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारा यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं। यहाँ पे बेसिकली एमटेक, एमई और उसके साथ इंजीनियरिंग या फार्मा, एम फार्मा है आपका फर्स्ट क्लास, और इसके साथ बी, बीटेक, बीसी जो 7.0 और 65% मार्क्स, यहाँ पे डिटेल सारी दिया गया है। और एमबीबीएस अगर मेडिकल साइंस से आप आ रहे हैं तो एमबीबीएस होना चाहिए, सीजीपीए 6.5% मार्क्स फर्स्ट क्लास, एंड एम ए, एम कॉम, एम एस सी, एम बी ए, ह्यूमैनिटीज अगर सोशल साइंस पीएचडी करना चाहते हैं, जिसमें 60% मार्क्स होना जरूरी है, अगर आप नेट से या सी एस आई आर क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल भी हो। यहाँ पे डी एस टी या सी एस आई आर या नेट, गेट, आपका जी पैट, इस तरह एग्जाम आप क्वालिफाइड हो, जी आर एफ, एस आर एफ हो, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है एन आई टी राउरकेला। और इसके साथ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये जो डिपार्टमेंट और जो एकेडमिक एलिजिबिलिटी, आपको सारी सब्जेक्ट दिख रहा है। बेसिकली मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, और साथ में गेट, नेट, जीपैट जो है ये होना चाहिए, पीजी होना चाहिए सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री होना चाहिए भाई पीएचडी के लिए, कंप्यूटर साइंस के बाद हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद हो, अर्थ एंड एटमोस्फेयरिक साइंस जिसमें एमएससी इन जियो जी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस या रिमोट सेंसिंग आपका एमएससी है, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, एटमोस्फेयरिक साइंस, ओसनोग्राफी में है, ये सारी स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारा आपका जैसे लाइफ साइंस में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप एमएससी बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो एमएससी डिग्री आपको होना चाहिए। सीएसआईआर पास करो तो अच्छा है आपको चांस मिलने के लिए, एमएससी मैथमेटिक्स। तो इस तरह जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल भी दिया गया है गाइस, और एलिजिबिलिटी के साथ साथ यहाँ पीएचडी प्रोग्राम में मेन एमटेक, एमफार्म और ये जो है, और ड्यूरेशन इसमें फीस भी दिया गया, रेट ऑफ फेलोशिप जो आजकल मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा है फेलोशिप गाइस, आपको बता दूँ फेलोशिप का रेट बढ़ गया है, और एक एडमिशन फीस भी यहाँ पे लिखा गया है। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है आपका एनआईटी राउरकेला में 27,000 फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट, 19,500 और ये दिया गया है, क्योंकि आपको फेलोशिप 37 के आसपास मिल ही जाएगा शुरुआत में, फिर जब आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाएगा तो वो भी लगभग ज़्यादा है। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर जो है, बेसिकली इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये जो आपका पोर्टल है यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ये पोर्टल में, इस पोर्टल में जाके, और यहाँ से आप सीधा ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेट 17 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। तो एनआईटी राउरकेला जो आप अप्लाई कीजिए, और इस तरह पीएचडी नोटिफिकेशन में मेरे चैनल में है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है आपका आईटी रायपुर, जो पीएचडी नोटिफिकेशन है, आइए आपको हम बताते हैं सारी डिटेल। यहाँ पे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, सबको पता होगा, यहाँ पे जो पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला है ट्रिपल आईडी के, बेसिकली सारी सुविधा के साथ है। और आपको पहले ही मैं यहाँ के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बताना चाहूँगा कि पीएचडी प्रोग्राम मिनिमम एडुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन इज मास्टर डिग्री विद ए कॉन्स्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड,
जो कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द इंस्टीट्यूट स्कॉलर कैटेगरी एंड पीएचडी इंजीनियरिंग गेट यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट या पीएचडी साइंस मैनेजमेंट गेट यूजीसी नेट सीएसआईआर यहां पे एंड पीएचडी जो कि है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सीएसआईआर या नेट क्वालिफाइड हो आप यहां पे अप्लाई कीजिए अच्छा मौका है ट्रिपल आईटी रायपुर के और यहां पे एप्लीकेशन सेल्फ फाइनेंस एंड ऑन रेपुटेशन कैटेगरीज शुड हैव एट लीस्ट 2 इयर्स ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सारी चीज डिटेल दिया गया है और जो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दूं 24 नवंबर है 2023 क्लोजिंग डेट जो है 25 दिसंबर अर्थात 26 नवंबर से फॉर्म फिलअप चल रहा है और 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन यहां पे सारी डिटेल दिया गया है रिटन टेस्ट जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 8 जनवरी यहां पे रखा जाएगा वेबसाइट में आपको सारी डिटेल दिया जाएगा। आइए रिसर्च एरिया देख लेते हैं कौन कौन विषय क्या क्या है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ऑल फील्ड जो कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन मेंशन देयर आर द नेटवर्क सिस्टम और इस तरह स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के दुनिया में इंजीनियरिंग सारी टॉपिक है। ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें जिसमें आपका यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे सारी यहाँ पे है जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ आपका इंग्लिश वुमेन स्टडी फिल्म स्टडी फिजिक्स के अगर आप विद्यार्थी हो आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स मैनेजमेंट तो ये सारी सब्जेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये सब सारी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली इसका जो प्रोसेस डाउनलोड इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो वेबसाइट है आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपका पीएचडी निकला है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये जो यूनिवर्सिटी है आपके काफ़ी फेमस और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के जो रायपुर के नया रायपुर है रायपुर सिटी से थोड़ी सी दूर नया रायपुर बहुत अच्छा जगह यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन निकला है गाइस आप पीएचडी के तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आप देख सकते हैं ये जो क्लिक हेयर लिखा है ऑनलाइन अप्लाई पीएचडी यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएचडी का ये नोटिफिकेशन है और हमारे चैनल में इस तरह वीडियो है आप हमारे चैनल देखते रहें कमेंट कीजिएगा और कैसा लग रहा है पीएचडी प्रपोजल अच्छा बनाइए और क्योंकि इस तरह पीएचडी में अच्छा रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रिसर्च प्रपोजल अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं उसको कहीं ना कहीं चांस हो जाता है पीएचडी में। तो चलिए टाटा।